भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक निर्णय लेती है, हम वरिष्ठों के साथ बैठेंगे और सब मिलके जो तय होगा वो करेंगे। विधानसभा चुनाव में अलग बात थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 6 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव आता है तो 4 यहाँ पर लोकसभा की सीट है आदिवासियों की, उसमें से 3 हम जीतते हैं, है ना। इस बात का प्रमाण है और भी चुनाव है नगरीय निकाय पंचायत के, उसमें हमारे लोग अनुसूचित जनजाति के लोग जीत के आते हैं। आज जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है आदिवासी वर्ग के लिए उतना कांग्रेस ने नहीं किया है। मेरी ओर से शुभकामना और बधाई। प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका ये तीसरा कार्यकाल होगा और 2006 से 9 और 13 के बाद ये 2020 में ये तीसरा अवसर विष्णुदेव जी को मिला है जब प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में निभाएंगे। एक सौम्य, एक सरल, एक मिलनसार, उस दूरसंचल जसपुर के उस छोटे से गांव से चलकर सरपंच से लेकर सांसद तक, पार्लियामेंट तक, पंचायत से पार्लियामेंट तक के सभी चुनाव में वो लड़ते रहे हैं। ये सबको मालूम है कि कौन कितना करीब कौन होता है और इसलिए सब अपना लाभ हानि व्यक्तिगत अपनी देख करके लोग अपना पार्टी को कैसे ले जाना, कहाँ ले जाना, बहुत लोग का रहता है सोच ऐसा कि पार्टी हमारे अनुसार चले, कुछ सोचता है मेरे अनुसार चले, कुछ कहता है संगठन मेरे अनुसार चले। तो जो चीज़ें हैं वो तो सबको दिखाई देता है, प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को भी मालूम है कि कहाँ से क्या है, कैसे है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज वो समय नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा प्रमाण देने की ज़रूरत पड़ती है। आदरणीय भाई विक्रम उसेंडी जी थे और सम्माननीय विष्णुदेव साय जी बन गए हैं, हमारे लिए कोई दोनों में कोई बहुत मूलभूत अंतर नहीं है। व्यक्तित्व के मामले में और काम के मामले में लगभग एक सा है। और जहाँ तक कांग्रेस के सामने चुनौती का सवाल है, मैं समझता हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो इतना दिन बाद अध्यक्ष का चयन कर पाए, वो अपने अंतर विरोधों को ही शांत कर ले तो अपनी पार्टी में बड़ी बात होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। विष्णु खिलाएंगे कमल। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भाजपा को मिल गए हैं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार फिर से उनको ये कमान यहां पर सौंपी गई है। विष्णुदेव साय रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो बहुत सारे कयास भी लग रहे थे और सभी अपने अपने हिसाब से मंथन भी कर रहे थे कि आखिरकार विष्णुदेव साय को ये जगह मिली तो क्यों मिली, और भी जो कई दावेदार थे जिनके नाम इसमें शामिल थे वो क्यों अलग हो गए, क्यों उनके पत्ते कट गए। तो विष्णुदेव साय क्या बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे, क्या वो एग्रेशन है, क्या सड़कों पर उतर कर संघर्ष करेंगे, जैसे कि पहले बातें हो रही थी कि एक ऐसा अध्यक्ष नेतृत्व चाहिए जो कि संघर्ष करे, सड़कों पर उतर कर कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं में जोश फूंक पाएंगे। चुनौती बहुत बड़ी उनके सामने है क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ सामने सरकार है और बहुत सारे उसके लोक लुभावन वादे हैं जो वो पूरे कर रही है, जनता के बीच पैठ बना रही है। कांग्रेस ने चुनौती मानने से भी इंकार कर दिया है और तंज भी कसा कि विक्रम उसेंडी और विष्णुदेव साय में उनको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता, तो चुनौती दोहरी भी होगी। बहुत से लोग प्रदेश पार्टी के अंदर भी नाराज होंगे, उनको भी साथ लेकर चलना होगा, कैसे इस तमाम चीज़ें साथ पाएंगे, चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ है संजय श्रीवास्तव जी भाजपा से, किरणमयी नायक जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, स्वागत आपका। हमारे साथ स्टेट एडिटर धनवेंद्र जायसवाल जी हैं, स्वागत आपका। संजय श्रीवास्तव जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूँगा, और बड़ी चुनौती और दोहरी चुनौती कहा जाएगा, पार्टी में भी बहुत से लोग एक लंबी फेहरिस्त थी जो अध्यक्ष बनना चाहते थे और कुछ की नाराजगी आपने देखा भी किस तरीके से सामने आ रही है, सबको साथ लेकर भी चलना होगा, प्रचंड बहुमत वाली सरकार के सामने सड़कों पर भी उतरना होगा। देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए
जो संगठन के काम होते हैं और विशेष परिस्थितियों में जिन राज्यों में या केंद्र में जब हम विपक्ष में होते हैं तो निश्चित रूप से चुनौतियां पहले के मुकाबले ज़्यादा होती है जब हम सत्ता में होते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक फिक्स रहता है कि आने वाले चुनाव के अंदर में हमको अच्छा परफॉर्मेंस देकर जनता की नज़रों में खरा उतर कर हमको सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। ये एक चुनौतियाँ रहती है, साथ ही साथ संगठन जो है विशेषकर बीजेपी जो संगठन आधारित पार्टी है कि हम संगठन की ताकत पर ही हम चुनावों को लड़ते हैं और अपने संगठन को आगे बढ़ाते हैं और शायद इसीलिए आज हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में केवल 30-35 वर्षों के अंदर में आज देश के अंदर में दुनिया के अंदर में हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने हैं। देखिए नियुक्तियां जो हैं निश्चित रूप से एक विधानसभा के बाद से एक टेम्प्ररी व्यवस्था थी, कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष विक्रम सैनी जी नहीं थे चूंकि उस समय के तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया गया था, इसलिए अपेक्षित था। और साथ ही साथ इस वर्ष हमारे संगठन के चुनाव भी हुए बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, लेकिन नगर निगम नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के कारण यहां का चुनाव को रोक देना पड़ा था, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। और सामान्यता ये नियम है कि 50% यदि से ज्यादा राज्यों के चुनाव हो जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है और उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं जो बचे हुए जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं और उसी कड़ी में आज लगभग 4 प्रदेशों के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। और हम सब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हैं उनके लिए आज प्रसन्नता का विषय है कि आज हमको एक नया नेतृत्व मिला है जिनका पुराना अनुभव भी रहा है और जिनके अच्छे कार्यकाल के बदौलत हमने वर्ष 2008 में सरकार यहां पर बनाई थी, 2009 में हमने लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 2013 में भी हमने सरकार बनाई थी। तो मुझे लगता है कि उनका एक अनुभव और उनकी एक सरलता, एक चीज मैं कोट करना चाहूंगा, आज के समय में एग्रेशन की बात होती है, बहुत होती है कि एग्रेशन और बहुत विपक्ष के बिल्कुल आवश्यक चीजें हैं, लेकिन आज के दौर में यदि हम राजनेताओं को देखें तो एग्रेशन तो आदमी ले आता है लेकिन एग्रेशन का तरीका बदल गया है, इसलिए एक सरलता आजकल ढूंढे ढांडे भी नहीं मिलती है नेताओं के अंदर में। और मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय जी सरलता के मामले में सबसे धनी हमारे नेता के रूप में जाने जाते हैं और इसका लाभ भी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को मिलेगा, हमारी पार्टी को मिलेगा। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि आज हम यहां पर बैठे हैं, आने वाली जितनी चुनौतियां हैं 3-4 वर्ष हम संघर्ष करेंगे और आगे जो 23 के बाद लगातार 3-4 जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। और इन्हीं विष्णुदेव जी हमारे जो राम सेवक पेकरा जी थे सबके नेतृत्व में हमने लगातार यहां पर सरकार बनाई थी और आप देखेंगे कि वर्ष 2023 में भी एक बार फिर से हम विधानसभा चुनाव से जो हम सरकार बनाने का काम प्रारंभ करेंगे वो सभी चुनावों के अंदर में बेहतर दिखाएंगे। किरण जी आप लोग चुनौती मान ही नहीं रहे नए अध्यक्ष को और उस एनडी जी और पूर्व अध्यक्ष की बात कर लें और विष्णुदेव साय जी की बात कर लें, सबको एक जैसा उनके कामकाज के मुताबिक आंक रहे। देखिए सबसे पहले तो हम औपचारिक रूप से ही सही हमारे विपक्ष के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनको हम बधाई देते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए उन्हें मैसेज भी किया है। और जहां तक बात है कि चुनौती आज की तारीख में वाकई में यदि देखा जाए तो जो 1.5 साल का समय निकल गया है हमारी सरकार के आने के बाद में, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता यहाँ रहे हैं और जो भी प्रदेश अध्यक्ष कार्यवाहक भी रहे तो वो कोई चुनौती पेश नहीं कर पाए। अब माननीय विष्णुदेव साय जी का ये 3रा टेन्योर है, आपने पहले और दूसरे टेन्योर में जो किया वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार बनी हुई थी और जब सरकार बनी हुई होती है तो उस समय की उनकी परफॉर्मेंस और आज जब आप विपक्ष में हैं तब आपकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। हकीकत में देखा जाए तो इनको तो आपने 2013 के बाद से निकाल ही दिया था, आपने उनको कहीं संगठन में रखा नहीं था। अब चूंकि आपके अंदर के जो जोड़ तोड़ है, जो लोगों की नाराजगी है, जो गुटबाजी चल रही थी, इतने सारे लोग दावेदार थे सो कॉल्ड छत्तीसगढ़ के, यहाँ के नेता बड़े बड़े जो पूर्व मंत्री लेवल के हैं वो सब, और अभी आपने एक रामविचार नेताम जी का दिखा ही दिया, वो गोलमोल बोलते रहे, ना उन्होंने उनकी तारीफ की ना उनको बधाई दी अपनी पार्टी के हो करके, कुल मिलाकर के उनकी नाराजगी वो अपने अप्रत्यक्ष रूप से दिखाते रहे। तो ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इंगित करती है कि विपक्ष जो है अभी पूरी तरीके से खंड खंड टुकड़ों में बटा हुआ है और जब व्यक्ति खंड खंड और टुकड़ों में बटा होता है तो पहले तो उनके नेता को उनको समेटने में ही काफ़ी समय लग जाएगा और
ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। संजय जी को अभी 2023 और उसके आगे का दिख रहा है, पहले आप 2018 के बाद से अभी जो पूरे देश में जो हाल बदहाल कर रखा है मजदूरों का, और जो वर्तमान में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और जो अव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं, झुनझुना पैकेज 20 लाख करोड़ का दिखा करके कुछ मिला नहीं प्रवासी मजदूरों को, इन सब चीजों का जवाब पहले विष्णुदेव साय जी को ढूंढना पड़ेगा और उनको अपनी पार्टी को तिनके तिनके जोड़ने की जरूरत जोड़ना पड़ेगा। चुनौती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी है धनवेंद्र जी, बहुत सारे किंतु परंतु इस निर्णय के बाद उठ रहे हैं। भाजपा के कई लोग तारीफ कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, कईयों ने नाराजगी जाहिर की, आपने देखा दबे छुपे से ही, और कुछ सोशल मीडिया पर यह भी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है, लगता है छत्तीसगढ़ में उसका इंटरेस्ट बचा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के जो सारे गुट हैं, चाहे वो अभी अलग अलग चल रहे हों, दबे छुपे तरीके से अंतर्विरोध हों, या जो इनफाइट्स है, उन सारे लोगों को यह समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में भी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व पर ही काम करना होगा। विष्णुदेव साय डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह इस समय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके रिकमेंडेशन पर विष्णुदेव साय का नाम तय हुआ है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर रमन सिंह का विरोधी खेमा था, वो रामविचार नेताम का नाम प्रोजेक्ट कर रहा था और ये चाहता था कि यदि आदिवासी नेतृत्व तो ही इस प्रदेश को देना है पार्टी संगठन को, तो रामविचार नेताम से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता क्योंकि वो आक्रामक नेता है, ये तर्क था। और इन तमाम नेताओं ने जो डॉक्टर रमन सिंह के कथित तौर पर संगठन के अंदर विरोधी माने जाते हैं, उन लोगों ने अपनी भावनाओं से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत भी कराया था। तमाम मंथन के बाद अंततः यह तय हुआ कि डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ना है। ये बात 4 महीने पहले भी तब दिखाई दी थी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक लेने आए थे। उस दिन वो भाजपा कार्यालय गए थे, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत में ये बता दिया था कि रमन सिंह पर ही राष्ट्रीय नेतृत्व का भरोसा है। अब ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, सब मिल बैठ करके फैसले करते हैं और उसके आधार पर संगठन चलता है। प्रदेश अध्यक्ष एक चेहरा होता है, संगठन चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री जो होते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो चेहरा है वो काफ़ी सौम्य है, काफ़ी सरल है, और या उसको दूसरे भाषा में दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन जो आक्रामक चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी के जो ग्रास रूट वर्कर्स को थी, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती होगी पार्टी के लिए, संगठन के लिए, कि उनके अंदर कैसे आत्मविश्वास जगाया जाए, उनके अंदर कैसे एग्रेशन जगाया जाए, राज्य सरकार के खिलाफ जब आंदोलन करने होंगे तो उनको लीड करने के लिए जोश भरने वाला नेता कौन होगा। ये तमाम चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि विष्णुदेव साय उन्हीं की भाषा में कहें तो काफी सीधे सरल और सज्जन नेता हैं। तो एग्रेशन की तलाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई नई रणनीति बनानी होगी, उसको देखना होगा कि वो रणनीति किस तरह की होगी। बिल्कुल, रणनीति देखनी होगी। संजय जी, एक बड़ी चुनौती वाकई में यह है कि आपके कार्यकर्ता जो थे, थोड़े उत्साह की कमी उनमें आ गई थी, वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा लीडर मिल जाए जो उनको लीड करे, सड़कों पर उतरकर उनका साथ दे, क्या ये उनकी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? देखिए अभिषेक जी, जैसा कि धर्मेंद्र जी ने भी अपनी बातों में कहा कि बीजेपी का जो काम करने का पैटर्न है, तरीका है हमारा, संगठन के साथ में और सबके साथ में मिलकर हम काम करते हैं, और किसी एक व्यक्ति विशेष के आधार पर कोई निर्णय या कोई इस तरह की चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। इसलिए जो हमारा कार्ययोजना बनती है, हमारी कार्य करने का तरीका, वो इस तरह का है। और आपने देखा कि जितने भी चेहरे, चाहे विक्रम सिंडी जी हों, चाहे धर्मलाल कौशिक हों, चाहे विष्णुदेव साय जी, या हम पेकरा की जी बात करें, और यहां तक कि 2003 के पहले जब हम सरकार में थे, डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा भी एक सरल सौम्य चेहरा के रूप में आज भी लोग जानते हैं उनको, आज भी लोग पसंद करते हैं, छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग उनको पसंद करते हैं कि एक सौम्य चेहरा। तो हम ये कहें कि केवल हम एग्रेशन के आधार पर हम उठापटक करें, हम उल्टी सीधी बात करें, मुझे लगता है कि एक समय सीमा तक लोग पसंद करते हैं, उसके बाद लोग उसको पसंद नहीं करते, जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं इन सब चीजों को। लेकिन जैसे किरण जी कह रही थी कि सत्ता में रहते हुए अध्यक्ष पद का काम और अभी जो काम, देखिए शायद उनको जानकारी है या नहीं, भूल रही होंगी वो, हर एक चुनाव जब समाप्त होता है सत्ता,
और सत्ता सत्ता के बाद जो दूसरा चुनाव होता है उसमें उतनी ही ताकत हमको झोंकनी पड़ती है। और ये बात भूलने की आवश्यकता नहीं कि जब कोई सत्ता में आता है उसके पहले वो विपक्ष में ही होता है, इसलिए काम ऐसा नहीं है, काम दोनों समय चुनौतियां होती हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि सत्ता के समय जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल बेबाक तरीके से बगैर किसी डिफरेंशियल के चलाया, आज 1.5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस की सरकार की क्या हालत है, दो चेहरे अलग चलते हैं, यहां तक कि कोरोना के समय दो अलग बयान आते हैं, कोई कहता है कि खत्म होने वाला है कोरोना, कोई कहता है कि नहीं इतने हजार लोग और होने वाले हैं, ये सरकार चल रही है या क्या है। 1.5 वर्ष का समय केवल अभी बीता नहीं है, पूरा भी नहीं हुआ, जून में होगा 1.5 साल, लेकिन 15 वर्ष तक 1 साल, तो ये एक हमारा पैटर्न है, एक हमारा तरीका है, पार्टी पर विश्वास है। तात्कालिक नाराजगी हो सकती है जब यदि एक व्यक्ति एक पद पर यदि 4 व्यक्ति रहते हैं उनको लगता है कि मैं बेहतर हो सकता हूं, तात्कालिक नाराजगी होना भी चाहिए स्वाभाविक तौर पर, किसी की क्रिया प्रतिक्रिया को रोकना नहीं चाहिए जो कांग्रेस में होता है। आपने देखा 19 वर्ष सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थी, राहुल गांधी जी को ले देकर बनाया गया, कैसे बनाया गया सबको मालूम है, स्थिति खराब हुई, लोगों ने नकारा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा, लोगों को बड़ा विश्वास हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास हुआ कि कोई नया चेहरा आएगा बीजेपी जैसा, कोई कार्यकर्ता आएगा, लेकिन मायूसी के साथ में फिर यदि एक निर्णय होता है तो सोनिया गांधी के नाम पर ही मोहर लगती है। तो यह कांग्रेस का पैटर्न है, हमारा पैटर्न वैसा नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि थोड़ी नाराजगी होना चाहिए, नाराजगी जब तक निकलेगी नहीं तो मिल बैठकर बातचीत नहीं होगी, मुझे लगता है इसी से ही हमारा परिणाम निकलेगा। किरण जी एग्रेसिव के जवाब में सौम्य चेहरा बीजेपी का कहना और बहुत लंबे समय तक चलेगा वो काम करेगा उनका। देखिए सवाल यह है कि चेहरा सौम्य या एग्रेशन से राजनीति के चलने और नहीं चलने के सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं। सवाल यह है कि आज आपकी पार्टी की जो अंदरूनी फूट है उसको अब आप तात्कालिक होती है परिस्थितियां ये कहकर कह देते हैं, परंतु इसी चीज को आप जब विपक्ष के ऊपर बात होती है तो आप फूट का नाम देते हैं, तो ये हर आदमी के अपने सोचने और करने का तरीका है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या आज की परिस्थिति में माननीय विष्णुदेव साय जी एक तरीके से घिसे पिटे मोहरे जैसे हैं? सवाल यह है कि आपने 2 बार उनको रखा और फिर हटा दिया, फिर दूसरों पर आपने ट्रायल किया, और उस ट्रायल के बाद अब जब आपकी पार्टी खंड खंड टुकड़ों में हो चुकी है, 4-6 दावेदार थे, यहाँ पे स्पष्ट विरोध रामविचार नेताम जी का दिख रहा है, उसके बाद में और यदि आप यदि वर्षन लेने जाते तो शायद ऐसे ही वर्षन सब के आते। तो ये एक पुरानी कहावत थी जो मैंने अभी चर्चा के पहले सुना था, पहले कहते थे लखी राम की गाय नंद कुमार साय, अब शायद रमन सिंह की गाय नंद विष्णुदेव साय। तो सवाल यह है कि हर व्यक्ति अपने अस्तित्व को बचाने के संघर्ष में है, और यहाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने विश्वसनीय को बनाने की मुहिम चलाई, सारे जो विरोधाभासी लोग हैं उनको चुप करने में अपनी ताकत झोंक दी, तो यहाँ पर जो संघर्ष और टूट फूट है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब मजबूरी है कि आप कहें कि साहब हमारे संघर्ष देखिए अभिषेक जी करेंगे। एक शब्द जो किरणमयी जी ने कहा घिसा पिटा शब्द, मुझे लगता है कि शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। घिसा पिटा विष्णुदेव जी को नहीं कहा जाता, घिसा पिटा कहा जाता है सोनिया गांधी जी के लिए कि 19 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बेटा, और बेटा हटता है तो फिर मां आती है, इन परिस्थितियों को इसको परिभाषित किया जाता है घिसे पिटे जैसा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें तो, क्योंकि कांग्रेस ही उसमें कहीं ना कहीं केंद्र पर आएगी इस तरह के निर्णयों के लिए, जहां कोई मुंह उठाकर यह नहीं कह सकता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। और उसी का परिणाम था आपका मध्य प्रदेश में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया परिवार जो कांग्रेस के लिए जाना जाता था, एक ताकत थी, उन्होंने पार्टी छोड़कर किनारे कर दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने नहीं दिया गया। एक मुख्यमंत्री रहते हुए साल भर से ज्यादा वो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष है, ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, ये बीजेपी में इस तरीके का नहीं होता। और यही चेहरे जो हमारे हैं, जो है ये पूरी टीम है, यही टीम के आधार पर, यही टीम की ताकत पर हम आने वाले समय के अंदर बनेंगे। और अक्षय जी मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर रमन सिंह के मजबूत होने से कांग्रेस में आज घबराहट हो रही है, घबराहट फैल रही है। डॉक्टर रमन सिंह की मजबूती ये घेराबंदी करके डॉक्टर रमन सिंह को कमजोर करने का षड्यंत्र सरकार ने किया था, लेकिन आज ये कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह की मजबूती अर्थात इस सरकार की रवानगी, भूपेश बघेल सरकार की रवानगी, डॉक्टर रमन सिंह का मजबूत होना, क्योंकि ये सौम्य चेहरा, ये लोकप्रिय चेहरा आज यदि आप तुलना करें तो सबसे ज्यादा है।
चेहरे की है वो डॉक्टर मनसुख के चेहरे की है और यही घबराहट कांग्रेस के अंदर में है कि कैसे भी करके डॉक्टर रमन की छवि को खराब करें। ये इस प्रकार की राजनीति ठीक नहीं। विष्णुदेव साय के हाथ में कमान आ चुकी है, क्या बदलाव बीजेपी में देखने को मिलेगा जमीनी स्तर पर? देखिए विष्णुदेव साय के हाथ में कमान आने से कोई बड़ा बदलाव पार्टी के अंदर नहीं दिखने वाला है। पार्टी जिस गति से चल रही थी उस गति में थोड़ी सी बेहतर स्थिति बनेगी। जिस तरीके से विक्रम उसेंडी संगठन में काम कर रहे थे तो उनका कहीं प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन विष्णुदेव साय के आने के बाद वो प्रेजेंस दिखाई देने लगेगा। एक बदलाव तो ये आने वाला है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी नई प्रदेश कार्य समिति आएगी, महिला मोर्चा युवा मोर्चा के नए संगठन बनेंगे, जिलों में संगठन नहीं बन पाया है, वो एक साल से जो पेंडिंग था वो अब जाकर के जिलों में संगठन बनेगा, तो एक गति तो दिखाई देगी। और विष्णुदेव साय के बारे में एक बात यह भी कहा जाता है कि वो सबके साथ तालमेल बिठा के काम करने में विश्वास करते हैं, उनमें ये क्षमता भी है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह उनके साथ होंगे तो सारे लोग यदि एक साथ विष्णुदेव सारे लोग एक साथ लाने में कामयाब हुए तो उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो विक्रम उसेंडी से कहीं बेहतर होगा। संगठन को एक बार खड़ा करने की फिर से कोशिश आएगी। कमल खिलाने की जिम्मेदारी मिल चुकी है, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विष्णुदेव साय के हाथों में कमान जा चुकी है, अब सभी संगठनों को सभी गुटों को साधना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, साथ में सरकार पर भी लगातार आक्रामक रूप से प्रहार करना और उससे साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश फूकना, कई सारी जिम्मेदारियां हैं जिसे विष्णुदेव साय, जैसा कहा जा रहा है, अनुभवी है, सौम्य चेहरा है, उम्मीदें कार्यकर्ताओं में जगी भी होगी और जो नाराज हैं उनको मनाने में भी विष्णुदेव साय को खासी मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है और वो कमल को फिर से मजबूत करने में कितने कामयाब होते हैं। आज का मुद्दा इतना।